जसा की तुम्ही बघताय नवीन सरकार आली आहे, जे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आहे आणि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी आहे, ते नवीन सरकारला आम्हाला पण अपेक्षा आहे की आमच्या तृतीयपंथीयसाठी काहीतरी योजना, जे सुप्रीम कोर्टच्या डायरेक्शन आहे नालसा जजमेंट व द ट्रान्सजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राईट ऍक्ट 2019 च्या जजमेंटमुळे आम्हाला जे स्टेट बोर्डला जे महाराष्ट्र ट्रान्सजेंडर वेलफेअर बोर्ड साठी जे नोटिफिकेशन इश्यू केलं आहे ते आमच्या महाराष्ट्रामध्ये काही होत नाही, याच्यामुळे आम्ही आज आमच्या जे तृतीयपंथीय ऍक्टिव्हिस्ट आहे ते सगळे आले आहे आणि आज आम्ही छोट्या संख्येमुळे आले आहे. याच्यानंतर आमची मागणी पूर्ण नाही झाली, आम्ही याच्यामुळे मोठ्या संख्येने इथे उभं राहणार आणि आम्ही अनशनवर बसणार. हम यहाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ खड़े हैं मुंबई में. वो लोग उनका वेलफेयर बोर्ड के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं. जो ऑर्डर पास हुआ है वो महाराष्ट्र में लागू नहीं है अभी तक, तो उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. हम भी औरतें हैं, हमको जो सुविधा मिलती है उनको भी मिलनी चाहिए. बहुत हम यहाँ ना बहुत पीछे है उन लोगों को हेल्प करने में. दूसरी कंट्रीज जैसा नहीं है, अभी यहाँ पे हमारी बीजेपी सरकार है, तो हम मोदी जी को ना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इन लोगों को हेल्प करो. आज मैंने जिस वे से ये लोग को ट्रीट किया ना, आज मैं देख के बहुत शॉक हो गई कि उनको देख के ही लोग डर जाते हैं. हम प्रोटेस्ट यहाँ कोई कर नहीं रहा है, ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो लोग रिक्वेस्ट लेके आए हैं, आप वो भी नहीं सुन सकते हो. तो मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी की सरकार को और मोदी जी को कि आप यहाँ हमको हेल्प कीजिए, इक्वल राइट्स दिलवा दीजिए इन लोगों के लिए भी.